नमस्कार, दिनभर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मीनाक्षी त्रिवेदी। आज इस बुलेटिन में बात करेंगे मजदूरों की बढ़ती मुसीबत की, वित्त मंत्री के नए ऐलान की, जानेंगे कि आर्थिक पैकेज पर क्या है कांग्रेस का बयान और बिहार की सियासत में किस मुद्दे पर मचा है घमासान, और आखिर में बात देश में बढ़ने वाली बेरोजगारी की। लेकिन तमाम बड़ी खबरों से पहले एक नजर सुर्खियों पर। 31 मई तक देश भर में बढ़ाया गया लॉकडाउन, सरकार ने जारी किया आदेश। लॉकडाउन के चौथे चरण में राज्यों को दी छूट, राज्य सरकारें अपनी ओर से जारी कर सकती हैं निर्देश। हरियाणा सरकार का बड़ा फैसला, राज्यों में अब ठेके पर जमीन लेने वालों को भी मिल सकेगा लोन, जल्द कानून बनाएगी खट्टर सरकार। मंदिरों में दर्शन के लिए होंगे अब टाइम स्लॉट, प्रसाद बांटने पर हो सकती है रोक, तिरुपति सहित सारे बड़े मंदिरों में दर्शन के समय आधार कार्ड से एंट्री हो सकती है अनिवार्य। एमपी बोर्ड का बड़ा फैसला, नहीं होंगे 10वीं के बाकी पेपर्स, मार्कशीट में इनके आगे लिखा होगा पास। 12वीं के छात्रों के 8 से 16 जून के बीच होंगे पेपर, पेपर देने से पहले और बाद में सभी स्टूडेंट्स को किया जाएगा सैनिटाइज। फेसबुक ने व्हाट्सएप पर जारी किया नया फीचर, व्हाट्सएप के बीटा वर्जन में जोड़ा गया मैसेंजर रूम्स फीचर, अब एक साथ 50 लोग कर सकेंगे वीडियो चैट। देश में मौजूदा स्वास्थ्य हालात के मद्देनजर अब पूर्णबंदी का चौथा चरण शुरू होने को है, लेकिन मजदूरों की स्थिति जस की तस बनी हुई है। मजदूरों का धैर्य जवाब दे रहा है, मजदूर बड़ी तादाद में सड़क पर उतर आए हैं, मजदूर कहीं हाईवे जाम कर रहे हैं तो कहीं सरकार और प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं। आज देश के अलग अलग जगहों से जो नजारा देखने को मिला वो हैरान करने वाला है। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए रुख करते हैं राजीव जी का। राजीव जी, आपका स्वागत है। धन्यवाद मीनाक्षी। राजीव जी, सरकार के तमाम दावों के बावजूद इससे मजदूरों की स्थिति सुधरती नहीं दिख रही, आखिर खामी कहाँ है, क्यों इतना वक्त बीत जाने के बाद भी मजदूर बदहाल हैं? जी मीनाक्षी, ये देखना वाकई दुखद है कि जिन लोगों के भरोसे देश के विकास की गाड़ी जो है वो आगे बढ़ती है, आज उन्हीं मजदूरों को सड़क पर भटकने के लिए छोड़ दिया गया है। ये सही है कि सरकार ने श्रमिक स्पेशल ट्रेनें शुरू की हैं जिससे कुछ लोग अपने घर पहुंच पा रहे हैं, लेकिन करोड़ों प्रवासी मजदूरों में कुछ को ही ये सुविधा मिल पा रही है। लाखों कामगार तो अब भी बेगारी का सामना कर ही रहे हैं और ऐसे में इन्हें अपने घर वापस लौटना ही एकमात्र उपाय दिख रहा है। इसलिए हम रोजाना सड़कों पर पैदल जाते हुए प्रवासी मजदूरों को देख सकते हैं। इनके साथ कभी रेल पटरी पर तो कभी सड़क पर गंभीर हादसे भी हुए, जिन पर केंद्र का कहना है कि इन्हें घर लौटने के लिए अपनी बारी का इंतजार करना चाहिए, जो वो नहीं कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश में तो योगी सरकार ने फरमान जारी किया है कि मजदूरों को पैदल ना लौटने दिया जाए। इसी वजह से कल शाम से यूपी और दिल्ली बॉर्डर पर पैदल जा रहे मजदूरों को रोका जा रहा है, और ऐसा ही नजारा एमपी और यूपी बॉर्डर पर भी देखने को मिल रहा है। कई जगहों से खबर आ रही है कि मजदूरों के लिए सरकार जो खाने की व्यवस्था करवा रही है वो भी अच्छी नहीं है। कांग्रेस समेत कई विपक्षी दलों ने और लोगों ने सुझाव दिए हैं कि मजदूरों को तत्काल नकद की मदद की जाए, यानी कि कैश राशि दी जाए, लेकिन सरकार उसके लिए भी राजी नहीं है। यानी ना उन्हें पैदल चलने दिया जा रहा है, ना उनके लिए यातायात की आसान व्यवस्था की जा रही है, ना उन्हें रोजगार के अवसर दिए जा रहे हैं, और न ही उनके लिए भोजन की अच्छी व्यवस्था की जा रही है। ऐसे में मजदूर आखिर जाएं तो कहां जाएं? सरकार 5-5 किश्तों में राहत पैकेज का ढोल जा रही है। हम देख ही रहे हैं कि रोज वित्त मंत्री आकर के इस विषय में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही हैं, लेकिन मजदूरों की दुर्दशा इस ढोल की पोल खोल रही है। अब देखिए मीनाक्षी की लॉकडाउन का चौथा फेज जो है वो शुरू हो रहा है। 31 मई तक जैसी घोषणा हो चुकी है कि चौथा फेज रहेगा, और 31 मई तक सरकार राहत के नाम पर और क्या क्या ऐलान करती है ये तो आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन गरीबों की हालत जस की तस बनी हुई है और इसको लेकर सरकार गंभीर नहीं दिख रही है, ये तो साफ नजर आ रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद राजीव जी आपका तमाम जानकारियों के लिए। अब बढ़ते हैं अपनी अगली खबर की ओर। उद्योग जगत, गरीब कामगार और अन्नदाता के लिए ऐलान करने के बाद कल वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बुनियादी ढांचे के सुधारों के लिए भी कई घोषणाएं की, जिसके बाद आज केंद्र के 20 लाख करोड़ के पैकेज की 5वीं किश्त की जानकारी देने के लिए वित्त मंत्री एक बार फिर मीडिया से मुखातिब हुई। तो आज केंद्र के पिटारे से निकला क्या कुछ खास, देखिए इस रिपोर्ट में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आर्थिक पैकेज के ऐलान के बाद वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 20 लाख करोड़ रुपए के आर्थिक पैकेज से जुड़ी पांचवी और आखिरी चरण की घोषणाएं करने के लिए जनता के सामने आई। वित्त मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री ने कहा था कि मुश्किल वक्त को अवसर में बदलने की जरूरत है, उसी के मुताबिक ये आर्थिक पैकेज तैयार किया गया है। उन्होंने कहा कि इस पैकेज में लैंड, लेबर लॉ, लिक्विडिटी पर जोर दिया गया है। वित्त मंत्री ने कहा कि पीएम गरीब कल्याण योजना के तहत टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर कैश का डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर किया गया। वित्त मंत्री ने
कहा गरीबों को आर्थिक मदद दी जा रही है। राज्य सरकारों ने भी मजदूरों के लिए इंतजाम किए। उन्होंने कहा कि लोगों को अनाज देकर मदद की गई। दालें भी 3 महीने पहले एडवांस में दे दी गयी। मैं FCI, NAFED और राज्यों के ठोस प्रयासों की सराहना करती हूँ, जिन्होंने लॉजिस्टिक की इतनी बड़ी चुनौती के बाद भी इतनी ज्यादा मात्रा में दालें और अनाज बांटा। निर्मला सीतारमण ने कहा 8.19 करोड़ किसानों के खाते में 2,000 रुपए दिए गए। देश के 20 करोड़ जनधन खातों में डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के जरिए 500-500 रुपए भेजे गए। उज्ज्वला योजना के तहत 6,81,00,000 रसोई गैस धारकों को मुफ्त सिलेंडर दिया गया। 2,20,00,000 बिल्डिंग और कंस्ट्रक्शन वर्कर की सहायता की गई। श्रमिकों को लाने ले जाने के लिए ट्रेन पर जो खर्च आया उसका 85% केंद्र सरकार ने दिया। EPFO के जरिए लोगों की सहायता की गई। मुसीबत से लड़ने के लिए स्वास्थ्य विभाग को 15,000 करोड़ रुपए दिए गए हैं। टेस्टिंग लैब और किट के लिए 550 करोड़ रुपए दिए गए हैं। स्वास्थ्य कर्मियों के लिए 50,00,000 रुपए के स्वास्थ्य बीमा की घोषणा की गई है। मनरेगा के लिए अतिरिक्त 40,000 करोड़ रुपए का आवंटन किया। PM विद्या की घोषणा, हर क्लास के लिए होंगे अलग TV चैनल। इसके अलावा वित्त मंत्री ने कहा कि हम मनरेगा, ग्रामीण और शहरी इलाकों में हेल्थ, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस, राज्य सरकार और संसाधनों के लिए घोषणा कर रहे हैं। अब सरकार की तरफ से ऐलान करने का सिलसिला तो बुधवार की तरह आज भी जारी रहा, लेकिन सवाल है कि ये पैकेज क्या वाकई लोगों को जमीनी स्तर पर राहत पहुँचा पाएगा। वहीं देखना है कि विपक्ष इस पर क्या प्रतिक्रिया देता है। तो आज केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत आखिरी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर राहत पैकेज का 5वां ब्लूप्रिंट भी पेश कर दिया है, जिसे वित्त मंत्री ने अपनी सरकार की उपलब्धि बताया। लेकिन विपक्षी दल कांग्रेस ने मोदी सरकार के इस पैकेज पर निराशा जाहिर करते हुए मोदी सरकार को घेरा है। तो स्पेशल पैकेज पर क्या है कांग्रेस का बयान, देखिए इस रिपोर्ट में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 20,00,000 करोड़ रुपए के पैकेज के ऐलान के बाद 5 दिनों से केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जनता के सामने आर्थिक पैकेज का ब्यौरा दे रही हैं, अपनी सरकार की वाहवाही कर रही हैं, जिस पर विपक्ष भी सरकार को घेरने का मौका नहीं छोड़ रहा है। आज जब वित्त मंत्री ने आर्थिक पैकेज के आखिरी चरण की बातें मीडिया के सामने रखी तो कांग्रेस की तरफ से भी प्रतिक्रिया सामने आने लगी। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता आनंद शर्मा ने स्पेशल पैकेज पर वित्त मंत्री सीतारमण की आखिरी घोषणा के बाद निराशा जाहिर की है। उन्होंने कहा स्पष्ट हो गया है कि देश को ऐसे खराब आर्थिक हालात से निकालने के लिए केंद्र सरकार के पास कोई रोड मैप नहीं है। सरकार इस लोन को प्रोत्साहन पैकेज नहीं कह सकती है। सभी देशों की सरकारों ने अपनी जनता के लिए फौरी राहत देते हुए प्रोत्साहन पैकेज की घोषणा की है। शहरी गरीब लोगों और प्रवासी श्रमिकों के लिए सरकार ने अपने पैकेज में कुछ भी नहीं दिया है। मौजूदा स्वास्थ्य मुसीबत से उपजी आर्थिक समस्या पर सरकार को घेरते हुए आनंद शर्मा ने कहा पैकेज सिर्फ 3.22 लाख करोड़ रुपए का ही है, जो GDP का 1.6% है। 20,00,000 करोड़ का पैकेज नहीं है, जैसा कि प्रधानमंत्री ने कहा था। आनंद शर्मा ने यह भी कहा कि वित्त मंत्री की हालत समझी जा सकती है, क्योंकि अर्थव्यवस्था तबाह हो चुकी है और शिष्टाचार भी बनाए रखना है, लेकिन रेल की व्यवस्था क्यों नहीं की जा रही है, लोग सड़कों पर क्यों हैं, सरकार सिर्फ जुबानी मदद कर रही है। उन्होंने आगे कहा कि आज 12,30,00,000 लोगों की नौकरी जा चुकी है। हमने छोटे व्यापारियों के लिए उन्हें बिना किसी ब्याज के आर्थिक मदद देने को कहा था, जिससे कि छोटे और मझोले उद्योग में काम करने वाले लोगों का रोजगार बचाया जा सके। आनंद शर्मा ने कहा जब तक इन लोगों को डायरेक्ट पैसा नहीं दिया जाएगा इनकी मदद नहीं हो सकती। आपको बता दें इससे पहले शनिवार को कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने भी सरकार की मदद को अन्नदाताओं, व्यापारियों और प्रवासी श्रमिकों के लिए नाकाफी बताया था। बावजूद इसके सरकार अपने आर्थिक पैकेज का बखान करने में इतनी व्यस्त है कि उसे सड़क पर चल रहे कामगारों की तकलीफ दिखाई ही नहीं देती। एक तरफ केंद्र सरकार की घोषणाओं को लेकर जहां विपक्षी दल कांग्रेस ने मोर्चा खोल दिया है, तो वहीं वित्त मंत्री ने जो ऐलान निजीकरण को लेकर किए उसे लेकर सरकार के करीबी ही अब सवाल उठाने लगे हैं। संघ के श्रमिक संगठन भारतीय मजदूर संघ की तरफ से नाराजगी के सुर बुलंद होने लगे हैं, जो मोदी सरकार की मुसीबत में इजाफा कर सकते हैं। क्या है पूरा मामला, इस रिपोर्ट में देखिए। केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार पर निजीकरण को बढ़ावा देने का आरोप तो अक्सर लगता रहा है। विपक्ष भी निजीकरण के मुद्दे पर सरकार की आलोचना कई बार कर चुका है, लेकिन सरकार हर बार इस मुद्दे से पल्ला झाड़ लेती है। मगर अब जब स्वास्थ्य और आर्थिक मुसीबत के बीच भी सरकार ने निजीकरण को बढ़ावा देने के लिए कदम बढ़ाए, तो BJP को मजबूती देने वाले संघ से जुड़े भारतीय मजदूर संघ ने ही सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया।
जी हां, संघ से संबंधित भारतीय मजदूर संघ ने अर्थव्यवस्था के 8 सेक्टरों के निजीकरण का कड़ा विरोध किया है। दरअसल स्वास्थ्य मुसीबत और पूर्णबंदी के कारण सुस्त पड़ी अर्थव्यवस्था को रफ्तार देने के लिए राहत पैकेज की घोषणाओं के क्रम में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने शनिवार को नीतिगत घोषणाएं की थी, जिसमें निजीकरण को बढ़ावा देने के साफ संकेत मिले, जिसे लेकर बीएमएस ने कहा, 8 क्षेत्रों के निजीकरण का घोषणा से पता चलता है कि केंद्र सरकार के पास विचारों और योजनाओं की कमी हो गई है। उसने कहा कि निजीकरण देश के हितों के खिलाफ है और इन फेल हो चुके आइडियाज के आधार पर अर्थव्यवस्था में दोबारा रफ्तार आने वाली नहीं है। बीएमएस ने अर्थव्यवस्था की मजबूती के लिए विचार की कमी पर चिंता जताते हुए कहा कि कोयला, खनिज, रक्षा उत्पादन, एयरपोर्ट, विद्युत वितरण, अंतरिक्ष और परमाणु ऊर्जा जैसे क्षेत्रों में निजीकरण की घोषणा करते हुए सरकार का ये कहना है कि कोई अन्य चारा नहीं है, विचारों का अभाव दर्शाता है। संगठन का कहना है कि इस तरह के अधिकांश बदलावों से श्रमिकों पर बुरा असर पड़ता है। निजीकरण के कारण बड़े पैमाने पर नौकरियां जाएंगी और अच्छी नौकरियों का अकाल होगा। निजीकरण से मुनाफाखोरी और श्रमिकों की मुसीबतें बढ़ेंगी। बीएमएस ने दावा किया है, सरकार किसी तरह की बातचीत के बिना ही इस तरह के बदलाव कर रही है, जबकि लोकतंत्र में वार्ता करना आवश्यक है। केंद्र सरकार श्रम संगठनों से बातचीत करने से बचती रही है। बीएमएस की बातों से साफ है कि सरकार जिन फैसलों को लेकर अपनी पीठ थपथपा रही थी, श्रमिकों के हक की बात कर रही थी, असल में वो फैसले गरीबों और कामगारों की मुसीबत को बढ़ाने वाले हैं। ऐसे में अब भारतीय मजदूर संघ के तीखे शब्द बाण पर केंद्र सरकार कोई प्रतिक्रिया देती है या नहीं, ये देखना होगा। अब निजीकरण के खिलाफ बीएमएस की तरफ से उठे मुखालफत के सुर को मोदी सरकार कैसे शांत करवाती है, ये देखना होगा। खैर, देखने लायक तो फिलहाल बिहार का सियासी माहौल भी है, जहां विधानसभा चुनाव की सुगबुगाहट के बीच फिर से पोस्टर पॉलिटिक्स तेज होती जा रही है। जी हां, अब जेडीयू ने ऐसा पोस्टर लगाया है जिस पर आरजेडी का बिफरना तय है। देश के मौजूदा स्वास्थ्य हालात के बीच अभी तक तय नहीं है कि बिहार में विधानसभा चुनाव अक्टूबर में होगा या नहीं, लेकिन तमाम सियासी दल अपनी अपनी रणनीतियों को धार देने में जुट गए हैं। जी हां, राजनीतिक दलों की ओर से चुनावी बिसात बिछानी शुरू हो गई है, जिसके मद्देनजर एक बार फिर से बिहार में पोस्टर पॉलिटिक्स की शुरुआत हो गई है। दरअसल आज जेडीयू समर्थकों ने एक पोस्टर के जरिए तेजस्वी और उनके परिवार को आड़े हाथ हो लिया है। इस पोस्टर में आरजेडी नेता तेजस्वी यादव को लग्जरी जीवन जीते दिखाया गया है और इसमें तेजस्वी संकल्प का भी जिक्र किया गया है। इसमें लिखा है, प्रथम प्रतिज्ञा, प्रथम प्यार, सुखी समृद्ध सर्वोत्तम अपना परिवार। वहीं इस पोस्टर में तेजस्वी का नाम फेलस्वी बताया गया है। आपको बता दें, गरीबों का नेता साबित करने पर तेजस्वी यादव के खिलाफ जेडीयू समर्थकों ने इस पोस्टर को सोशल मीडिया पर जारी किया है। गौरतलब है कि शनिवार को तेजस्वी यादव ने अपने ट्विटर अकाउंट पर खुद की तस्वीर की जगह रोते हुए श्रमिक की तस्वीर लगाई है। इसके बाद तेजस्वी यादव ने कहा कि जिस प्रकार से केंद्र और बिहार सरकार हमारे श्रमिक भाइयों के साथ अमानवीय व्यवहार कर रही है, जिसके कारण बिहार के दर्जनों श्रमिक भाइयों को अपनी जिंदगी गंवानी पड़ी, इससे व्यथित होकर उन्होंने ट्विटर पर अपनी तस्वीर बदल ली है। इस पर राज्य में सियासत तेज हो गई है। आरजेडी के मुख्य प्रवक्ता भाई वीरेंद्र ने तेजस्वी यादव को श्रमिकों और गरीबों का चेहरा बताया। उन्होंने कहा कि इस मुसीबत के समय में तेजस्वी यादव ने ही सबसे पहले मजदूरों की मदद की है। सरकार जहां खामोश थी, वहीं तेजस्वी कामगारों की परेशानी दूर करने में लगे थे। इस पर बीजेपी जेडीयू ने तेजस्वी और आरजेडी को घेरना शुरू कर दिया है। ऐसे में आरजेडी अब जेडीयू के पोस्टर का क्या जवाब देती है, ये देखना वाकई दिलचस्प होगा। यानी भले ही पूर्णबंदी ने सब कुछ रोक दिया, लेकिन इस दौरान सियासत थमती नजर नहीं आ रही। चाहे बिहार हो या मध्य प्रदेश, हर तरफ राजनीतिक गतिविधियां तेज होती दिख रही हैं। जी हां, मध्य प्रदेश में अब शिवराज कैबिनेट के विस्तार और उपचुनाव को लेकर सियासी पारा गर्माया हुआ है। अटकलें तेज हैं कि शिवराज उपचुनाव से पहले मंत्रिमंडल विस्तार करने पर जोर दे रहे हैं। तो कब शिवराज की नई टीम होगी तैयार, इस रिपोर्ट में देखिए। देश में लागू पूर्णबंदी के बीच मध्य प्रदेश का सियासी पारा दिन बदिन चढ़ता जा रहा है। अब शिवराज कैबिनेट के विस्तार की अटकलें जोरों पर हैं। कहा जा रहा है कि तालाबंदी के चौथे चरण में शिवराज अपनी नई टीम का ऐलान कर सकते हैं। जी हां, सियासी गलियारों में चर्चा है कि शिवराज सिंह चौहान जल्द ही अपनी कैबिनेट का विस्तार करने वाले हैं। सीएम शिवराज सिंह चौहान इसके लिए पार्टी आलाकमान के संपर्क में हैं और संभावित नामों पर चर्चा कर रहे हैं। जैसे ही पार्टी आलाकमान से हरी झंडी मिल जाती है, वैसे ही मंत्रिमंडल का विस्तार कर लिया जाएगा। वैसे मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर बीजेपी के अंदर सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। कई नेता मंत्री पद पर दावा कर चुके हैं, जिसने शिवराज की परेशानियां बढ़ा रखी हैं। शिवराज सिंह चौहान ने हाल ही में मीडिया से बातचीत में बताया था कि पूर्णबंदी 3 के बाद वो कैबिनेट विस्तार को लेकर पार्टी आलाकमान से बात करेंगे।
फिलहाल तो वो तालाबंदी के चौथे चरण की तैयारियों में व्यस्त हैं। सूत्रों के मुताबिक ज्योतिरादित्य सिंधिया के करीबी 22 नेताओं को आगामी उपचुनावों में टिकट और इनमें से कई नेताओं को कैबिनेट में जगह दी जा सकती है। बता दें कि इन्हीं 22 नेताओं के विधानसभा सदस्यता छोड़ने के कारण कमलनाथ सरकार को हटना पड़ा था और बाद में ये सभी नेता बीजेपी में शामिल हो गए थे। सूत्रों के अनुसार बीजेपी आलाकमान के भी साफ निर्देश हैं कि सिंधिया के करीबी नेताओं को पहले एडजस्ट किया जाएगा। इसके साथ ही पार्टी विधानसभा उपचुनाव के लिए रणनीति बनाने में भी जुटी हुई है, जिसके मद्देनजर हाल ही में बीजेपी नेताओं ने अहम बैठक की जिसमें ज्योतिरादित्य सिंधिया भी मौजूद रहे। बीजेपी में शामिल होने के बाद पहली बार ज्योतिरादित्य सिंधिया बीजेपी नेताओं के साथ मीटिंग में शामिल हुए। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए आयोजित बैठक में सीएम शिवराज सिंह चौहान भी मौजूद थे। कहा जा रहा है कि उपचुनाव की तैयारियों को धार देने के लिए बीजेपी के आला नेताओं की ये बैठक हुई है। सूत्रों का कहना है कि इस बैठक में भी सिंधिया समर्थकों को तवज्जो देने के संकेत मिले हैं। खबर है कि बीजेपी आगामी उपचुनाव में सिंधिया समर्थकों को ही मैदान में उतारेगी। ऐसे में देखना वाकई दिलचस्प होगा कि मंत्रिमंडल विस्तार में और उपचुनाव में सिंधिया समर्थकों को कितना महत्व दिया जाता है और इस पर बीजेपी के पुराने नेता क्या प्रतिक्रिया देते हैं। जीबी लाइव की रिपोर्ट। और बुलेटिन के आखिर में बात देश में बढ़ने वाली बेरोजगारी की। देश की अर्थव्यवस्था तो पिछले कई महीनों से डगमगा रही थी, तमाम सेक्टर्स मंदी की चपेट में थे, लेकिन सरकार ने आर्थिक मुद्दों पर ध्यान नहीं दिया, जिसके चलते अब स्वास्थ्य मुसीबत ने अर्थव्यवस्था को गर्त में पहुंचा दिया। लेकिन अब इसके बाद भी मुसीबत थमती नजर नहीं आ रही है, क्योंकि आर्थिक मुसीबत के बीच जल्द ही 13 करोड़ से ज्यादा लोगों के हाथों से रोजगार छिन जाएगा। देश पर पड़ी स्वास्थ्य मुसीबत के बीच केंद्र सरकार ने पूर्णबंदी का ऐलान तो कर दिया, लेकिन अब ये ऐलान ही भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए मुसीबत बनता जा रहा है। जी हाँ, एक ताज़ा रिपोर्ट में कहा गया है कि पूर्णबंदी की वजह से भारत में 13 करोड़ 50 लाख लोगों का रोजगार छिन सकता है और 12 करोड़ लोग गरीबी रेखा से नीचे चले जाएंगे। उपभोक्ताओं की आमदनी, खर्च और बचत पर इसका बुरा असर होगा। इंटरनेशनल मैनेजमेंट कंसल्टिंग फर्म अर्थर डिलिटल की रिपोर्ट के मुताबिक मौजूदा स्वास्थ्य समस्या का सबसे बुरा असर भारत के कमजोर तबके पर पड़ेगा। रोजगार छिनेगा, गरीबी बढ़ेगी और प्रति व्यक्ति आय कम होगी, इससे जीडीपी में तेजी से गिरावट आएगी। रिपोर्ट में कहा गया है भारत में बेरोजगारी दर 7.6% से बढ़कर 35% तक जा सकती है। इससे 13 करोड़ 60 लाख लोगों का रोजगार छिन जाएगा। देश में कुल 17 करोड़ 40 लाख लोग बेरोजगार होंगे। लोगों को गरीबी से निकालने के अभियान को नुकसान पहुंचेगा। करीब 12 करोड़ लोग गरीब हो जाएंगे, जबकि 4 करोड़ बेहद गरीब हो जाएंगे। अर्थर डिलिटल के इंडिया और साउथ एशिया मैनेजिंग पार्टनर और सीईओ बार्निक चित्रन मित्रा ने कहा, वित्त वर्ष 21 में संभावित 10.8% संकुचन के साथ भारत डब्ल्यू शेप रिकवरी की ओर बढ़ रहा है। भारत को $1 ट्रिलियन का नुकसान होगा, यानी साफ है पहले से गर्त में जा रही अर्थव्यवस्था का बंटाधार होना तय है, जिसे लेकर सरकार के लिए विपक्ष के तेवर और तल्ख होंगे। ऐसे में अब मोदी सरकार इस स्थिति से निकलने के लिए क्या रणनीति बनाती है, ये देखना होगा। फिलहाल दिनभर की बड़ी खबरों में मेरे साथ इतना ही। आप देखते रहिए डीबी लाइव। नमस्कार।